26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जब आप मोराबादी मैदान आते हैं, रांची के मोराबादी मैदान में, उस वक्त आपको बेहद ही सुंदर झांकियां देखने को मिलती हैं, परेड देखने को मिलता है। लेकिन उन सुंदर झांकियों के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने काम किए हुए होते हैं, उसी नज़ारे को हम आपको दिखाने आए हैं। इस वक्त आप देखिए जो तरह तरह की झांकियां बनाई जाती हैं, उसके कारीगर, उसके जो कलाकार हैं वो लगे हुए हैं बनाने में, सभी झांकियों को सुंदर खूबसूरत रूप देने में। और इस वक्त सभी कलाकार युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं ये लोग, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ही 26 जनवरी है, तो पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं और एक एक कारीगर जो है जमकर मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी झांकी को खूबसूरत बनाया जाए। अलग अलग विभाग के अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं। इस वक्त हम जहां हैं वो वन विभाग की तरफ से जो झांकी निकाली जाएगी उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जंगल का रूप दिया जा रहा है, चीज़ों को खूबसूरत बनाया जा रहा है, टेंटिंग पेंटिंग चल रही है और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से, बहुत मजबूती से बनाया जा रहा है ताकि जब इस झांकी को आप देखने आए तो आप देखें कि नज़ारा कितना खूबसूरत है। इस वक्त आप इस तरफ देखिए, मेरी बाएं तरफ बहुत ही सुंदर जो है सफ़ेद पहाड़ों को दिखाया गया है। इस पहाड़ के जरिए झरना को दिखाया जाएगा, जो झारखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ फॉल्स हैं, कई झरने हैं जो नहीं सामने आ पाते हैं, उस झरने को यहाँ इस माध्यम से दिखाया जाएगा, इस झांकी के माध्यम से। कई किला हैं झारखंड में, उसे दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और इधर देखिए, इसे वन का रूप दिया गया है, जंगल का रूप दिया गया है। ये झांकियाँ जो हैं बहुत ही सुंदर होने वाली हैं, बहुत खूबसूरत होने वाली हैं। जब आप 26 जनवरी को यहाँ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम देखने आएंगे उस वक्त आप देखेंगे कि नज़ारा जो है वो खूबसूरत है। और लेकिन हम उससे पहले की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखा दें कि जो झांकियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं उसके पीछे किस तरह से कलाकार जो है मेहनत करते हैं। आप देखिए यहाँ तमाम चीज़ें जो है, एक छोटी से छोटी कील से लेके थर्मोकोल से लेके छोटी लकड़ियाँ, सभी चीज़ आपको यहाँ दिखेंगी। इन एक एक चीज़ों को जोड़ कर, एक एक पार्ट को मिला कर जो है झांकी तैयार किया जाता है। अब देखिए इधर आपको नज़ारा जो दिख रहा होगा झांकी का, वो शेर दिख रहे होंगे। तो ये जो है किले का रूप है। अभी मैंने आपको इधर दिखाया जंगल, और ये जो है जो पलामू तरफ एरिया में जो कुछ कई किले हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत किले हैं जिन्हें लोग देखने जाया करते हैं, उसे यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। तो उसी किले का एक छोटा सा स्वरूप है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे झांकी के जरिए दिखाया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ऐतिहासिक हैं, झारखंड जल जंगल जमीन किला और भी ऐतिहासिक चीज़ों से भरपूर है, और उसी को कोशिश किया जाता है कि दिखाया जाए। और भी ऐसी कई झांकियां हैं जो यहां निकाली जाएंगी इस वक्त 26 जनवरी को, हम उन सभी को एक एक कर कोशिश करेंगे कि आपको दिखा दें एक बार विजुअल्स के माध्यम से। हमारे साथ यहां मोराबादी मैदान में इस वक्त रमेश शर्मा जी हैं जो इन तमाम झांकियों की देख रेख करते हैं। इस बार किस तरह की झांकियाँ निकाली जा रही हैं, कितनी झांकियाँ हैं जिन? इस बार लगभग 10 झांकियाँ हैं, इसमें सर्वप्रथम है आपका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी जो एक नंबर में जाएगी, उसके बाद है वन विभाग। सूचना जनसंपर्क विभाग में हम लोग दिखा रहे झारखंड के ऐतिहासिक धरोहर को, हमारे पास दिल्ली में कलकत्ता में लोग गुजरात में देखने जाते हैं चीज़, हमारे यहाँ कोई चीज़ कम नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आज तक प्रमोट नहीं किया गया, तो उन सब चीज़ों को दिखा रहे हम लोग। पलामू किला इस बार दिखा रहे खासकर सूचना जनसंपर्क से। उसके बाद वन विभाग की झांकी है जिसमें हम लोग इको टूरिज्म दिखा रहे हैं, बेतला पलामू बहुत सारा किला आपका पार्क है, फॉल्स है, हम लोग लोथ फॉल को हम लोग इस बार दिखा रहे हैं। फॉल इतने अच्छे अच्छे हैं जो कि अपना दार्जिलिंग वगैरह में भी वैसा नहीं, जो जाकर के वहाँ लोग देखना चाहते हैं, मनाली में भी वैसा नहीं जैसा फॉल हम लोग के पास है। तो इन सब तरह के बहुत सारे विभाग है जो कि अपना अपना चीज़ों को दिखा रहे हैं। और पहले बहुत सारी झांकियाँ निकाली जाती थी, करीब 25-30, आजकल हाँ कोविड के टाइम में एक प्रोटोकॉल आया था कि बहुत ज़्यादा झांकियाँ नहीं निकालना, डिस्टेंस मेंटेन करना, तो उसके लिए हम 10 झांकी सेलेक्ट हुई थी, जबकि पहले 22-23-24 झांकियाँ निकलती थी यहाँ पे। इस साल किन्हीं ने कोई इस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, लास्ट ईयर का जो लिस्ट था उसी चीज़ को रिपीट कर दिया, 10 झांकी पिछले साल था वही झांकी को फिर से वापस इन लोगों ने दिया, किसी पर कोई चर्चा नहीं की कि क्या करना है नहीं करना, जो झांकी पहले बनता था बस वही। विभागों की कमी नहीं है, विभाग में सबसे प्रथम आना चाहिए खनिज है, टाटा है, हम लोग के यहाँ इतना बड़ा चीज़ है जो कि वर्ल्ड लेवल में है, उन सब चीज़ों का झांकी बनता था जो कि आज के टाइम में अब कहीं उनका नामो निशान नहीं है। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कि हमारे यहाँ सबसे मेन होना चाहिए, टूरिज्म बंद हो गई,
तो लगभग झांकियां बंद होती जा रही, जिसके कारण हम लोग कलाकार लोग का तो काम ही बंद खत्म होता जा रहा है। अब पैसा निकालना मुश्किल हो रहा है इन कामों से। कोविड के बाद से कुछ एक दो सालों के लिए नियम फॉलो होना था, लेकिन अब उससे रूल ही बना दिया गया और सिर्फ 25-30 झांकियाँ निकलती थी, 10 झांकियाँ निकाली जा रही हैं और जो अहम मुख्य विभाग हैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कलाकारों पर एक संकट का समय देखने को मिल रहा है। कलाकार क्योंकि इन्हीं चीज़ों से उनका समय चलता है, घर चलता है, और ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर वो काम क्या करेंगे, क्योंकि कलाकार सिर्फ कला के क्षेत्र से जुड़ा रहता है, इसके अलावा वह कुछ करता नहीं है। हम बाकी झांकियों को भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। झांकी के पीछे की जो मेहनत होती है मजदूरों की या कलाकारों की कह लीजिए, उसे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर कितनी बारीकी से ये लोग जो है काम करते हैं, चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं, और इस वक्त एक एक धागा से जो है बहुत मजबूती से चीज़ों को बांधा जाता है। ये झांकियाँ तैयार की जा रही हैं मोराबादी मैदान में। वन विभाग हो, जल विभाग हो, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हो, और भी ऐसी कई विभाग हैं जिसकी झांकियां जो है यहां दिखाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत होती हैं, आकर्षक होती हैं, और पहले और भी ज़्यादा झांकियां जो बनाई जाती थी। और इधर भी देखिए कई कारीगर जो हैं वो काम पे लगे हुए हैं, और ट्रक के अंदर जाकर भी कुछ मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो सिर्फ झारखंड से ही नहीं, झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक और भी कई राज्यों से जो है कलाकार आए हुए हैं और इन झांकियों को तैयार कर रहे हैं। इधर ही क्या हो तो दिखा, एक बनी बनाई झांकी, खूबसूरत झांकी हमारे सामने रहती है, लेकिन उसके पीछे का जो काम होता है वो बहुत ही मेहनत का होता है, बहुत हार्ड होता है आप कह सकते हैं। देखिए ये सभी लोग जो हैं अभी तैयारियां कर रहे हैं, चीज़ों को काटना, तोड़ना, ठूकना, पीटना, ये सारी चीज़ें करके ये लोग चीज़ों को करते हैं। सभी खाना खाने की तैयारी भी जो है इन कलाकारों की यहीं पे रहती है, यहीं टेंट वेंट लगा कर ये लोग खाना बना कर खाते हैं। ठंड का समय है फिर भी लोग लगे रहते हैं कि किस तरह से ये काम कर सकें, चीज़ों को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें हमारे सामने में, और जिस दिन गणतंत्र दिवस हो एक खूबसूरत नज़ारा, एक भव्य नज़ारा हमारे सामने बनकर सामने तैयार हो, और उसके पीछे इन तमाम कलाकारों की मेहनत होती है, यही चीज़ों को बहुत खूबसूरत ढंग से जो है हम सबों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, और हम बस आकर आनंद लेकर उन चीजों को देखते हैं। बायो, सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। एनरोल नाउ, बायो, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in